अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह से दुआ है, जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे। आज मैं माँ की दाल बना रही हूँ। ये मैंने अच्छे से वॉश कर ली है और भिगो के रख दी है। अब रख लेते हैं। ये टमाटर है, इनको मैं ऊपर से छिलके उतार रही हूँ। आपको पता है दाल में छिलके वैसे भी नहीं अच्छे लगते, छिलका उतार लूँगी। अगर आपके पास फ्रीज़र वाले टमाटर हैं वो डाल रहे हैं तो फिर पहले फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकाल लें, फिर ऊपर से उनका छिलका उतार के फिर मैश कर लें। पतले पतले में से काट लूँगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। माश की दाल हर कोई बनाता रहता है, हर घर में बनती है, तो हर बंदा डिफरेंट बनाते हैं, हर की अपनी अपनी होती है। कोई किस तरह बनाते हैं, उबाल के बनाते हैं, कोई सिंपल बनाते हैं, कोई किस तरह बनाते हैं। जिस तरह मैं बना रही हूँ, एक बार इस तरह बना के खा लें, आपको अच्छी लगेगी। और भिगो के तकरीबन आधे घंटे पहले रखते तो फिर इसको भी बनाते हैं। मैंने आधा किलो घंटा पहले भिगो के रखती थी, अब इसके तैयार करते हैं। मैंने कुकर रख दिया है, डालूँगी मैं इसमें 2 चम्मच बड़े वाले ऑयल के डालूँगी, क्योंकि आधा किलो दाल है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम खा रहे हैं तो कम डाल रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा डाल रहे हैं। ऑयल और मिर्च और नमक ऐसी चीज़ है जो बंदा खुद अपनी पसंद से डाल सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। मैं 2 चम्मच भर के डालूँगी। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च, ये 3 चीज़ों का पेस्ट है। आपका मैं जीरा डाल दूँगी और मैं टमाटर डाल दूँगी। झटपट वाली रेसिपी है, एकदम से बनती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसका। 10 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाती है। हमारी तरफ तो मौसम ठंडा है और पानी भी ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम दाल को लगता है गलने में। हम लोग कुकर भी बनाते हैं तो जहाँ पे थोड़ा मौसम गर्म होता है तब वो आप देखते हैं हंडिया में किसी में बना लें। थोड़े टमाटर नरम हो जाएंगे तो फिर मसाले डालेंगे। टमाटर थोड़े नरम हो गए, आप थोड़े मसाले डाल लेते हैं। क्या क्या डाल देंगे ये साथ में आपको दिखाते हैं। आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी मसाला, 1 से 1.5 चम्मच नमक और साथ में मिक्स मसाला। मसाला नहीं डाल रहे तो फिर आप लाल मिर्च ज़्यादा कर लें। मिक्स मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के, आधी चम्मच मोटी मिर्च डाल दूँगी। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। मैंने थोड़ी मिर्च ज़्यादा रखी है, आप लोग अगर कम खा रहे हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, अभी फिर बता रही हूँ। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट से डाल सकते हैं। और थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छी सी ग्रेवी बना लूँगी इसकी, अच्छे से मसाला भी भुन जाएगा तो फिर उसके बाद दाल डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, अच्छा से मसाला भुन जाए। देखें अच्छे से मसाला भुन गए, और थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया। टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गए, ऑयल मसाले में छोड़ दिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये दाल बनानी हम लोगों के लिए इतनी खास नहीं है। ये जो बड़े होते हैं कहते हैं ये दाल का, ये देश की दाल की दाल भी, जो नए आने वाली बच्ची होती है उनके लिए अच्छी है। उनको बड़ा मुश्किल होता है कैसे बनाएं, क्या करें, कैसे बनेंगी, ये उनके लिए। आपने ज़रूर देखी है वीडियो,
और अच्छे अच्छे कॉमर्स भी करने हैं। आपकी कॉमर्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो यूट्यूब पे हम लोग हैं वो आप लोग देखिए तो हमारे यूट्यूब की चलता है, आप लोग नहीं देखेंगे तो हमारे यूट्यूब कैसे चलेगा। ये दाल डाल दी है मैंने, देखें अच्छे से फूल भी गई है, पहले मैंने गुबो के रखी थी। मसाला भी मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भुना है। बस मसाला भुनना है तो अब थोड़ी देर दाल भुननी है, दो ही चीज़ें तो हैं इसमें और कोई खास इसमें काम नहीं है। दाल अच्छे से भुन ली है, अब मैं इसे पानी डालूंगी। दाल आधा किलो है तो इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दूंगी। और जो ये 1 लीटर पानी है ये इसमें दाल तैयार हो जाएगी। अगर एक पाव बना रहे हैं तो उसमें आधा लीटर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं 1 सीटी कुकर लगा दूंगी, तकरीबन 1 सीटी। आजकल जब थोड़ा जल्दी पानी गर्म हो जाता है तो जल्दी शुरू हो जाते हैं, तकरीबन जब सीटी चलेंगे तो सीटी चलने के बाद मैं 2 मिनट छोड़ूंगी। जब तक सीटी नहीं चलती जब तक तो रहेगा, सीटी चल के सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको ऊपर रखूंगी, उसके बाद मैं इसे गैस बंद कर दूंगी। मैं ढक्कन लगा दूंगी, सीटी चलने का इंतज़ार करते हैं और सीटी के बाद 2 मिनट के लिए रखेंगे, फिर गैस बंद कर दूंगी मैं। मैंने कुकर खोल लिया है, कितनी अच्छी सी दाल बन गई है, खरी खरी, बिल्कुल भी गली नहीं है। और आयल भी देखें आप कितना ऊपर है, अच्छे से आया है, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। आपने एक बार ज़रूर इस तरह बनानी है और जब बने तो मुझे भी बताना है कि कैसी लगी आप लोगों को। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से बन गई है। अब थोड़ी सी ऊपर धनिया डाल लेंगे और थोड़ी सी कटी हुई मिर्च ये डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करते हैं इस तरह। ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की शान, उसकी नियामतें, उसकी बरकतें जो हमें अता करता है रब्बुल आलमीन। अल्लाह की कौन कौन सी नियामत है जिसका हम शुक्रिया अदा करें। इसके साथ थोड़ी सी चटनी और अचार वो खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। ये मैंने चटनी बना ली है, हरी चटनी बनाई है, ये बड़ी ज़बरदस्त है।